अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम जोन और मैं हूं महविश। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये लुक, ये ग्लोई सा सिंपल सा मेकअप लुक, और इसको मैंने क्रिएट किया है स्पेशली न्यू ईयर के लिए। और गाइस, मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है। सारे बेसिक से प्रोडक्ट हैं जिनके साथ मैंने इस लुक को किया है, तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। बट प्लीज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और क्या करना है, शेयर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जॉनसन्स बेबी क्रीम, और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और इसका प्राइस है जस्ट 75 रुपीज़। उसके बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ अयूर का लिप बाम अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी ऑयल एज अ सीरम। और गाइस, अगर आपके पास कोई भी सिरप नहीं है ना, तो आप बस ये यूज़ कर लीजिए, आपका सिरप का काम हो जाएगा और आपको सिरप लेने की भी नीड नहीं होगी। ये इतना अच्छे से आपके फेस को हाइड्रेट कर देता है बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ प्राइमर के लिए, मतलब प्राइमर यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एलोवेरा जेल, ये जस्ट 38 रुपीज़ का है, और ये बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को ही एज अ प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और साथ ही साथ मतलब ये आपको कवरेज भी देती है, तो ये अच्छी रहती है बहुत ज़्यादा अगर आपको फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है। और मैं वैसे भी बिल्कुल सिंपल सा मतलब डे टाइम का मेकअप लुक करूँगी, न्यू ईयर पे वैसे भी हैवी लुक अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सिंपल सा लुक मैंने ट्राई किया था यहाँ पे। उसके लिए बीबी क्रीम एकदम परफेक्ट रहेगी, और अगर आपको फाउंडेशन यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, कवरेज भी अच्छा देती है ये। उसके बाद सेम बीबी क्रीम को मैं अपनी अंडर आइज़ पे और फेस के हाइलाइटेड एरियाज़ पे अप्लाई कर लूँगी, एंड उसी ब्रश की हेल्प से, कबू की ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी, और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो रही है और ठीक ठाक कवरेज भी दे रही है। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट लगती है फेस पे, और इसका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगी, और इसमें मेरा शेड है हनी। उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको और अच्छे से ब्लेंड किया है, ताकि ये बिल्कुल मेरी स्किन से मैचिंग लगे। और उसके बाद मैं इसको सेट करूँगी स्पिन्स बीबी के पाउडर से, ये बहुत अच्छा वाला पाउडर है, जैसे बनाना पाउडर होता है बिल्कुल उसी के जैसा है, ये वाइट नहीं है, बेज कलर का है। और अगर आपके पास कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस, ये बहुत अच्छे से आपके फेस को सेट कर देता है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया है, अप्लाई करते के साथ ही मैंने फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से इसको रिमूव कर दिया है, ताकि जो मेरा बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए, और ये ड्राई भी नहीं करेगा फेस को, अच्छे से मतलब सेट हो जाएगा। और अपने ईयर्स पे भी और नेक पे भी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिलेरी रोडा की आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस, बहुत ज़्यादा नेचुरल फिनिश देती है, जो कि डे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और स्पूली की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। इसका प्राइस है 99 रुपीज़। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है SFR का ये ब्लश पैलेट, और ये पीच अंडरटोन के ब्लश है, तो मैंने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना था, सो मैंने ये पीच ही सा कलर अप्लाई किया है अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे, और ये बहुत अच्छा लग रहा था सच में। उसके बाद अपना फेवरेट प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, यह है स्विस ब्यूटी का लिक्विड इल्यूमिनेटिंग मेकअप बेस, और गाइस ये इतना नेचुरल वाला ग्लो देता है, आप इसको एज अ हाइलाइटर और मतलब मेकअप बेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन में मिला के भी, और कैसे भी जैसे आपको यूज़ करना है वैसे कर सकते हो। और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर की हेल्प से, एंड आप शाइन देख सकते हो फेस पे, बिल्कुल नेचुरल आएगी, इतना सा भी चंकीनेस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है। उसके बाद सेम पैलेट में से मैंने डार्क पीची सा कलर लिया है, और उसको अपनी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ, सिंपली पूरी आईलिड पे ही अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे हिलेरी रोडा की ये मोबाइल आई शेडो पैलेट ली है, उसमें से ये सिल्वर शैम्पेन सिल्वर सा शेड है, उसको लेके अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लिया है,
और इसका इस आई शेडो पैलेट का मैंने फुल रिव्यू एंड डेमो दिया है, आप जाके मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी पैलेट है। उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है अगेन मेरा फेवरेट मस्कारा, ये है एमएन का मस्कारा। और गाइस मी नाउ के मस्काराज बहुत अफोर्डेबल होते हैं, ये जस्ट 99 रुपीज़ का है और बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो आईब्रोज में एकदम वॉल्यूम आ गया है। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है ये स्केच पेन आईलाइनर और इसे अपनी लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर लिया है, इससे हमारी आईज में और भी ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, लैशेस बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस लगेंगी। और उसके बाद मैंने ली है मैट लुक की सुपर स्टे लिप ग्लॉस, बट ये लिप ग्लॉस नहीं है, ये प्रॉपर प्रॉपर मूज लिपस्टिक्स हैं गाइज। और जो इसका शेड है वो एवरीडे के लिए अच्छा है क्योंकि मैंने सिंपल सा ही मेकअप किया है। और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. सो या गाइस, ये था मेरा आज का सिंपल सा न्यू ईयर मेकअप लुक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, निशान को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है तो प्लीज कर ही देना, और बराबर में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर देना। तो चलिए फिर, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।